नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है सुबह के ताजा तरीन खबरों का और इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं तटीय इलाकों में हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग का असर। वेब सीरीज तांडव की टीम पहुंची सुप्रीम कोर्ट। आज से फिर खुलेंगे सभी स्कूल। आज बिहार के परीक्षा केंद्रों का होगा परिवर्तन। हाथरस कांड को लेकर आज हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। लाल किले का तिरंगा झंडा बदलने वालों पर होगी कार्रवाई। इसके अलावा और भी कई काम की खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसलिए इस बुलेटिन को अंत तक जरूर देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को भी दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान आंदोलन के आड़ में उपद्रवियों द्वारा लाल किले पर झंडा बदलने के आरोपियों पर होगी सख्त कार्रवाई। धरती ने पिछले 23 साल में खोल दी है ब्रिटेन के बराबर 300 फुट मोटी बर्फ। तटीय इलाकों में हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग का असर। सिंगापुर के वरिष्ठ मंत्री ने कोरोना को लेकर दी चेतावनी, कहा कोरोना को खत्म होने में लग सकता है 4 से 5 साल। महाराष्ट्र, पंजाब और मणिपुर में आज से फिर खुलेंगे स्कूल। कोरोना काल के चलते पिछले कई महीनों से बंद थे ये स्कूल। आज से चलेगी पूरी न्यू ऋषिकेश दैनिक स्पेशल ट्रेन। पूरी से आज रात 8:45 पर खुलेगी ये ट्रेन। वेब सीरीज तांडव की टीम पहुंची सुप्रीम कोर्ट। FIR रद्द करने की मांग पर आज होगी सुनवाई। आज से फिर चलेगी कलिंग उत्कल एक्सप्रेस। दिल्ली, आगरा व मेरठ होकर जाएगी हरिद्वार। आज बिहार के परीक्षा केंद्रों में होगा परिवर्तन। अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण बिहार के मधुबनी में चल रहे CA जनवरी 2021 की परीक्षा केंद्र बदले जा सकते हैं। आज जेल से रिहा हो जाएगी तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की करीबी VK शशिकला। भ्रष्टाचार के मामले में बेंगलुरु जेल में सजा काट रही थी शशिकला। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से पहले आज चेन्नई पहुंचेगी भारतीय टीम। 5 फरवरी से खेला जाएगा भारत और इंग्लैंड टीम के बीच 4 मैचों के टेस्ट सीरीज का पहला मैच। इन्फिनिक्स का नया स्मार्टफोन आज से सेल के लिए होगा उपलब्ध। कैशबैक के साथ मिलेगी भारी डिस्काउंट। बिजली व पेट्रोल की बढ़ती दरों जैसी समस्याओं के विरोध में राजस्थान भाजपा कार्यकर्ता आज करेंगे प्रदर्शन। मौसम विभाग के अनुसार आज से ठंड और बढ़ने की है उम्मीद। मौसम विभाग ने 27-28 जनवरी के लिए जारी किया है बारिश का अलर्ट। आज से शुरू होगा कृषि कानूनों के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र। GST पर भी होगी चर्चा। हाथरस कांड को लेकर आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। कोर्ट में अपनी बात रखेगा प्रीत परिवार। CBI दर्ज कर चुकी है चार्जशीट। गणतंत्र दिवस के मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव ने फहराया 108 फुट का राष्ट्रीय ध्वज। इस मौके पर जय श्री राम नारे के विवाद को लेकर ममता बनर्जी को सलाह देते नजर आए रामदेव। कृषि कानून के विरोध में हुई ट्रैक्टर मार्च के लिए किसानों ने तोड़े पुलिस की शर्तें। किसानों ने अपने द्वारा तय किए गए कायदों का भी नहीं किया पालन। जालंधर में आम आदमी पार्टी नेताओं और वर्कर्स ने मनाया गणतंत्र दिवस। पार्टी ऑफिस पर फहराया गया तिरंगा। दिल्ली के लाल किले पर किसानों द्वारा बवाल के बाद किसान नेता अब खुद से झाड़ रहे हैं पल्ला। आंदोलनकारियों से की शांति बनाए रखने की अपील। किसान आंदोलन के नाम पर हुई अराजकता पर एक्ट्रेस कंगना रनौत ने दी प्रतिक्रिया। बोली, लाल किले पर जो कुछ हुआ उसके चलते दुनिया में हम मजाक बनकर रह गए। एथलीट सुधा सिंह समेत 6 खिलाड़ियों को मिलेगा पद्मश्री अवार्ड। लिस्ट में किसी क्रिकेटर का नाम शामिल नहीं। भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में हुए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान मैदान में ड्रिंक्स लेकर पहुंचे टीम पेन ट्विटर पर हो गए ट्रॉल। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के लिए सुपरस्टार रजनीकांत बने कंपटीशन। दिवाली पर होगा इन दोनों की अपकमिंग फिल्मों के बीच तगड़ा मुकाबला। बिग बॉस 14 में अली गोनी और अभिनव शुक्ला के बीच हुई झड़प। टास्क के चक्कर में घर वालों ने तोड़ दिया घर का सामान। दिल्ली में छात्र संगठनों ने किया था ट्रैक्टर रैली का स्वागत। कई जगहों पर किसानों पर बरसाए गए थे फूल। BEL में इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंजीनियरिंग ट्रेनी और टेक्नीशियन के पदों पर निकली है वैकेंसी। नौकरी के इच्छुक योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं आवेदन। PM मोदी से मिले अल्ताफ बुखारी। जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने समेत कई मुद्दों पर हुई बात। UP के महुआ से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। महुआ में गणतंत्र दिवस के अवसर पर सड़क पर उतरी गुलाबी गैंग की सैकड़ों महिलाएं। किसानों के समर्थन में निकाली ट्रैक्टर रैली।
यूपी के सुल्तानपुर से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री जय प्रकाश सिंह ने कोरोना वैक्सीन को लेकर दिया बयान। बोले कोविड 19 की वैक्सीन बीजेपी ने नहीं, भारत के वैज्ञानिकों ने बनाई है। यूपी के महुआ से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर निर्माण को लेकर निकाली गई जनजागरण रैली। रैली के माध्यम से मंदिर निर्माण के लिए सहयोग करने को किया गया प्रेरित। बिहार के शेखपुरा से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस के मौके पर शेखपुरा परेड ग्राउंड में जिला अधिकारी इनायत खान ने फहराया तिरंगा। इस दौरान उन्होंने देशवासियों, बिहारवासियों और शेखपुरा वासियों को दी गणतंत्र दिवस की बधाई। तो ये थी सुबह के कुछ ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को भी दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।